हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 132 कॉलेजों का अभी परमिशन दिया गया है इनरोलमेंट के लिए, तो 132 कॉलेज का जैसे ही लिस्ट आया, मैंने लिस्ट दे भी दिया है, आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मैं बता दूं कि जैसे ही यह लिस्ट आया तो जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं, जो सेकेंड से थर्ड ईयर में गए हैं, उन लोगों को सवाल है कि क्या मुझे प्रॉब्लम होगा अगर मेरा 132 कॉलेज में नाम नहीं है तो मेरा क्या होगा, मेरा कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा। तो आज हम इसी पर जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावना हो सकती है। तो चलिए हम बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि दिक्कत किनको हो सकता है। देखिए, दिक्कत उनको होगा जिनको अभी तक अपने वो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है। दिक्कत उनको होगा जिनका कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है। बातें को समझ लें, जो ऐसे ही किसी के थ्रू एडमिशन लिए हैं और पता चल रहा है कि वो कॉलेज है ही नहीं जो जगह पर वो एडमिशन लिए हैं, कि फलाने जगह पर कॉलेज है लेकिन वो कॉलेज है ही नहीं, सिर्फ कागज़ पर है, तो उनको तो 100% दिक्कत वाली बातें हैं। तो उनका तो मैं जो कहूँ वो क्या ही कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अब जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है तो क्या उनको क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपका कॉलेज सही है, अगर आपका कॉलेज आने वाला दिन में सुइटेबल कैटेगरी में है, ये बात मत समझिए, बहुत सारे कॉलेज का इस लिस्ट में नाम नहीं है। ग्वालियर संभाग के कॉलेज का नाम है ही नहीं जिसमें बहुत सारे कॉलेज सुइटेबल है, लेकिन फिर भी उनका नाम इसमें नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ग्वालियर संभाग के बहुत ऐसे कॉलेज है जो अपना स्टे ले रखे थे सुप्रीम कोर्ट से, तो उनका जाँच नहीं हुआ है। लेकिन अब सबका जांच करना है और सुप्रीम कोर्ट आगे अपना रिपोर्ट भी सौंपेगी, तो देखने वाली बात होगा कि फाइनल जो कितने कॉलेज सुइटेबल कैटेगरी में है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोर्ट के द्वारा कहा गया कि सभी स्टूडेंट को शामिल किया जाए, जो अनसुइटेबल कॉलेज है उनको बंद किया जाए, और जो अनसुइटेबल कॉलेज है उनके स्टूडेंट को मौका दिया गया कि ठीक है, एक बार मौका दे रहे हैं, पास करके आप आगे बढ़ सकते हो BSc नर्सिंग में। तो आप ये मत भूलिए कि सेम मामला आगे भी होने वाला है, सेम मामला आपके GNM में भी होने वाला है। जब ऐसा सिचुएशन GNM में आ गया कि सुइटेबल के आधार पर इनरोलमेंट कराया जा रहा है, तो फिर आप ये मत सोचिए कि आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, आज हो या 2 महीने के बाद हो, जिनका कॉलेज कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है, जिनके कॉलेज के पास हर चीज़ है, उनका न आज दिक्कत होने वाला है और न 2 महीने के बाद दिक्कत होगा। भले ही इन सब प्रक्रिया में थोड़ा सा लेट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने कॉलेज को देखे हुए हैं, आपका कॉलेज परफेक्ट है, आपका कॉलेज 2-4-5 कमरा में नहीं चल रहा है, आपके कॉलेज के पास बिल्कुल स्पेस है, बिल्डिंग है, लैब है और हॉस्पिटल से कनेक्ट है, तो आपका कॉलेज को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपका कॉलेज सुइटेबल कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और रही बात आगे का, तो जो सेकेंड और थर्ड ईयर में है, ऐसा नहीं है कि इनको घर पर बैठा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये 100% है कि कोर्स आप लोग को क्लियर करके दिया जाएगा, चाहे जिस भी माध्यम से दिया जाए। मान गए आपका कॉलेज अनसुइटेबल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया जाएगा कि आप 2 साल पढ़ लिए हैं और थर्ड ईयर में हैं, आपका कॉलेज अनसुइटेबल हो गया, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो हजारों हजार केस जो है सुप्रीम हाई कोर्ट से में चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें क्लियर करते हैं तो उसका एक टाइम बना देते हैं कि हाँ, इस टाइम तक जो स्टूडेंट है, जो एडमिशन ले चुके हैं, उनको सब चीज़ किसी भी तरह से करा दिया जाएगा, बाकी आगे या फिर जो इन समय के बाद जो एडमिशन लिए हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो आप ऐसे सीधे किसी को नकार नहीं सकते हैं जो 2 साल पढ़ चुका है और तीसरे साल में है, या फिर जो साल भर वाला भी 2 साल हो चुका है और वो अभी सेकेंड ईयर में है, और उनका कहिएगा कि आपका कुछ नहीं होगा, तो इन सब तमाम बातें कुछ नहीं होने वाला है, सबका कोर्स क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है 2022 से 2023 में जिनका कॉलेज गड़बड़ है, उनको भले ही वो एडमिशन अपने कॉलेज में ले रखे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि कॉलेज कहाँ है, कॉलेज में क्या है नहीं है, और वो एडमिशन ब्लाइंडली ले चुके हैं किसी के थ्रू में, और उनका कॉलेज सही नहीं पाया जाता है, तो भले उनका कुछ नहीं होगा, ये बातें मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ईयर में है उनका तो होना तय है, उनका कोर्स क्लियर होकर मिलेगा, चाहे दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करने की बात आए या फिर उनको उनके सेशन तक जो है मान्यता दिया जाए, वो बातें अलग है, लेकिन उनका सब चीज़ क्लियर करके देगा।
भले ही समय लगेगा प्रोसेस में, अभी 132 को मिला है, फिर आगे कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा फिर ऑर्डर के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा, फिर ग्वालियर संभाग के जितने भी कॉलेज है उन सबको भी जो है इनरोलमेंट होना है। तो ऑर्डर के हिसाब से जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे काउंसिल जो है काम कर रहा है। मैंने पहले ही कहा कि जो काउंसिल गलती पर गलती करते आ रहा है अब वो फूक फूक के पानी पी रहा है। अब वो फूक फूक के पानी इसलिए पी रहा है कि देखिए रिजल्ट दिया कोर्ट में, क्लियर हुआ तभी 56 कॉलेज का रिजल्ट दिया, इनरोलमेंट करा रहा है, जितना सुइटेबल कॉलेज है सिर्फ उसी का इनरोलमेंट करा रहा है, बाकी का छोड़ दिया। तो ये सारा चीज़ें जो है फूक फूक के पानी अब पी रहा है काउंसिल, जबकि पहले से काउंसिल ही इस गलती में बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं इतना आप लोगों को कहूँ कि जो सेकेंड थर्ड ईयर में है ऐसा नहीं है कि उनका कुछ नहीं होगा, उनको जो है दिक्कत हो जाएगा ऐसा नहीं है, उनको जो भी होगा उनके साथ सही होगा, सही होना भी चाहिए। और हाँ, दिक्कत उनको होगा जो 22 से 23 में है, क्योंकि अभी उनका कुछ नहीं हुआ है, और अगर वो गलत कॉलेज के चक्कर में फंस गए हैं तो फिर उनका गड़बड़ होगा। गलत कॉलेज कहने का मतलब है कि ना एड्रेस पर कॉलेज है, कॉलेज है भी तो दो चार कमरा में चल रहा है, ठीक है ना, उसके पास लैब है ना वो हॉस्पिटल से कनेक्ट है, तो उन लोगों को दिक्कत हो सकता है वैसे कॉलेज वाले का। बाकी 132 के अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है जो सुइटेबल है लेकिन इस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो जैसे ही ऑर्डर आगे आएगा, ऑर्डर पे ऑर्डर, वैसे मामला काउंसिल आगे बढ़ाते जाएगी, ठीक है, सबका एक ही साथ होगा। ये मत सोचिएगा कि 132 का एग्ज़ाम हो जाएगा सब चीज़ हो जाएगा हम लोग छूट जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, सबका एक साथ होगा, सबका एक साथ सब काम होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, जिनका 132 कॉलेज में नाम नहीं है उनको घबराने की जरूरी नहीं है, घबराने का दिक्कत उनको है जिनका कॉलेज गड़बड़ है। बातें को समझ गए, बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।